कुख्यात माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में गोली मारकर हत्या। आईपीएस ऑफिसर का भाई बना हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी, कर रहा था डॉक्टरी की पढ़ाई। नोटबंदी के दौरान विमान से कराई गई थी नोटों की ढुलाई, एयरफोर्स ने थमाया 29.5 करोड़ रुपए का बिल। एक देश एक चुनाव के पक्ष में 4 दल, 9 खिलाफ, भाजपा कांग्रेस ने साधी चुप्पी। नोएडा में आज पीएम मोदी करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री का उद्घाटन, हर साल बनेंगे 12 करोड़ फोन। दिल्ली से नीतीश कुमार ने भरी हुंकार, हमें कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, एनडीए के साथ ही रहने के दिए संकेत। देश के हर जिले में शरीयत अदालत खोलेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, 15 जुलाई को पेश होगा प्रस्ताव। शरीय अदालतों के प्रस्ताव पर बीजेपी बोली, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं है। निर्भया केस में दोषियों की मौत की सजा संबंधी समीक्षा याचिका पर आज आ सकता है फैसला। ब्रिटिश कोर्ट के तलाशी और जब्ती आदेश पर बोला माल्या, आलिशान घर को सरकार छू नहीं सकती। बुरहान मानी की बरसी आज, कश्मीर घाटी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, रोकी गई अमरनाथ यात्रा। झारखंड में कथित धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश में 16 ईसाई प्रचारक लोग गिरफ्तार, केस दर्ज। बिजरौन में ड्यूटी के दौरान शराब पीकर सो गए स्टेशन मास्टर, लाइन क्लियर होने का इंतजार करते रही कई ट्रेनें, रेलवे ने किया सस्पेंड। महाराष्ट्र में भारी बारिश से 4 की मौत, वसई में वाटरफॉल में फंसे पिकनिक मनाने गए 39 लोगों को बचाया गया। यूपी के कानपुर में गंगा बैराज में 3 दोस्तों की डूबने से हुई मौत, 3 अभी भी लापता। तुर्की में पटरी से उतरी ट्रेन, 10 की मौत, 73 घायल, ट्रेन में 362 यात्री सवार थे। ईरान में हिजाब उतारकर किशोरी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया डांस वीडियो, पुलिस ने हिरासत में लिया। करणजीत कौर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द सनी लियोनी का ट्रेलर रिलीज, फिल्म में दिखेगा सनी के बचपन से बॉलीवुड तक का सफर। भारत ने इंग्लैंड को तीसरे T20 में हराकर विराट की कप्तानी में पहली बार जीती सीरीज। रोहित ने T20 क्रिकेट में किया कमाल, 3 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने।